आप देख रहे हो लैटिनी क्राइम और मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंटीन्यूअस टेंस की। कंटीन्यूअस टेंस क्या करता है, आप सबसे पहले तो नीचे आ जाएं और ये समझ लें कि कंटीन्यूअस टेंस करता क्या है, होता क्या है, और ये चीज समझ के आप हमेशा के लिए टेंस को सीख जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, कंटीन्यूअस शब्द है जो कंटिन्यू से बना है। कंटिन्यू का अर्थ होता है जारी रहना। जैसा कि मैंने पहले टेंस में बताया था कि टेंस जो टॉपिक है वो करता क्या है, हमें भिन्न भिन्न समय में वर्ब जो अपने रूप चेंज करती है, अपनी जो फॉर्म चेंज करती है, उसको सिखाना है, टेंस सिखाना है। सपोज करें कि जब कुछ क्रियाएं अपने रनिंग स्टेट में होती हैं, कंटिन्यूअस स्थिति में होती हैं, लगातार जारी रहती हैं, तो कंटिन्यू का अर्थ जारी रहना। जब क्रियाएं लगातार जारी रहें तो हम उन्हें कंटिन्यूअस टेंस से दर्शाते हैं, वेरी सिंपल। और जब क्रियाएं लगातार जारी रहती है तो उनके साथ आईएनजी लग जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाता है। तो जब भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो कंटीन्यूअस टेंस होता है, वेरी सिंपल। जैसे यहां पे था प्ले, इस प्ले में लगा दिया आईएनजी, तो प्ले कर तो खेलना था, लेकिन आईएनजी से क्या हुआ, ये खेल रहा। ये खेल रही भी हो सकती है, खेल रहे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट तो सो हो नहीं रहा है। तो मैं समझ ये कहना चाह रहा हूं कि मेन वर्ब में आईएनजी लगना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है, वेरी सिंपल। और ये रहा रही रहे अर्थ देता है। अब यहां पे मैंने लिखा था पहचान पे थोड़ा फोकस करें पर, तो रहा रही रहे या खड़ा बैठा पड़ा, खड़ा बैठा पड़ा मतलब इससे क्या हुआ, इसका मतलब है कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें हम रहा रही रहे नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो वो अपना ठीक से अर्थ नहीं देंगी। जैसे सपोज करो कि मैं यहां पे आपके सामने खड़ा हुआ हूं, है ना, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, जैसे मैं चाय पी रहा हूं, इसमें तो मैंने चाय पी रहा हूं लगा दिया, मैं लिख रहा हूं तो लिख रहा लग गया, लेकिन मैं खड़ा हो रहा हूं क्या मैं ऐसे बोलूं, नो, ऐसे तो फिर ये सही नहीं बैठेगा ना। तो मैं बोलूंगा मैं खड़ा हूं, इसका मतलब अभी भी खड़े होने की क्रिया जारी है। वह बैठा है, वह बैठी है, वे बैठे हैं, तो इसमें भी कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है ना, बैठने की क्रिया जारी है। अगर इसको बोले कि वह बैठ रहा है, इसका मतलब जारी नहीं है, वह बैठने जा रहा है। ऐसे ही वह पड़ा है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, तो बैठा पड़ा या खड़ा ये शब्दों में रहा रही नहीं आता, लेकिन फिर भी कंटीन्यूअस होता है, क्लियर। अच्छा, अब हम देखें, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसको हम कैसे बहुत ही आराम से सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेइंग क्रिकेट, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहां पे आईएनजी लगा हुआ है और आईएनजी टेंस की साउंड है, इसकी आत्मा है, सेंस है, इसका सार है। हम आईएनजी को देखकर सबसे पहले कह देते हैं कि ये कंटीन्यूअस टेंस है, तो ये कंटीन्यूअस टेंस तो है, तो हम इसका अर्थ करें तो वह क्रिकेट खेल रहा, स्टॉप, आगे नहीं, क्योंकि आगे इसमें टेंस नहीं दिया है, यानी समय नहीं दिया है, इसमें सिर्फ ये पता है कि इस ही सब्जेक्ट के द्वारा क्रिकेट खेलने की क्रिया जारी है। अब किस काल में है ये पता नहीं। अब मैंने यहां पर लिखा इज, अब हमें पता चला कि ये प्रेजेंट में जारी है, क्योंकि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, पास्ट की है वाज वर्ब, और फ्यूचर की है विल बी शैल बी। प्रेजेंट में इज एम आर को पढ़ते क्लासिफाइड करें तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी यू दे, वाज वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट वाज, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब, फ्यूचर में विल बी शैल बी, आई वी के साथ शैल बी, अन्य के साथ विल बी, और हाँ आई के साथ भी वाज, आई यहां पे सिंगुलर है। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा था कि इस लिखे हुए सेंटेंस को हम बहुत जल्दी से कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस टेंस का है, देखो इज से प्रेजेंट और प्लेइंग से कंटिन्यूअस, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया, आप किसी भी कंटिन्यूअस में किसी भी टेंस को एक चुटकी में बता सकते हो कि ये किस टेंस का है, और अर्थ करना वेरी इजी है, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां पे मैंने इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, अब मैंने यहां पे इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया तो ये अपने मैंने लिखा इस पे वाज, तो वह क्रिकेट खेल रहा था, क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज पास्ट, और प्लेइंग कंटिन्यूअस, सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया और मैंने यहां पे लिखा ही
विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कॉमन चीज क्या निकल के आई, फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब में आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों ही टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, जैसे हम वी फोर भी कहते हैं। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं अपन। नेगेटिव में क्या होता है, मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। तो प्रेजेंट का देखें तो यहां पे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर पास्ट का देखें ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अगर फ्यूचर का देखें तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं ही विल नॉट, ही विल बी नॉट, वो समझते हैं कि विल बी हेल्पिंग वर्ब है और अपन नॉट लगा दिया, लेकिन ये गलत होता है, इसको आप समझ लें। यहां पे इसमें नॉट इस तरह से लगता है ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अब ये राइट है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल वाले वीडियो में कि हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब से पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब से पहले आ जाती है सिंपल इंट्रोगेटिव। जैसे कि मैंने यहां पर लगाया Is he playing cricket? तो इसका सिंपल अर्थ हुआ क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर पास्ट में लगाए तो यहां पर इसको आपने चेंज किया, वाज आ गया, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। अगर इसमें फ्यूचर में लगाए तो फ्यूचर में फिर वही ध्यान रखना कि विल बी को आप एक साथ ना लिखें, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। क्लियर? डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले जाते हैं, why, when, what, whom, who, आप जो भी लगाना चाहें सबसे पहले आ सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर है एक साथ, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक एक साथ है, प्रश्न भी और नहीं शब्द भी आए, क्या और नहीं शब्द उसमें आए, तो क्या क्या क्यों कब और नहीं शब्द आए, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। इस बात को आप एक बार में याद रख लें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो इसमें तो चलो इसको अपन मतलब बनाए तो इसमें नॉट कहां लगेगा, विल ही सब्जेक्ट ही हुआ, तो यहां पर लगेगा विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। सपोज करें इसी बात को हम बोले कि वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, तो अपन लगाएंगे वाई, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा। और इस तरह से अपने तीन जो कंटेंस टेंस है ये पूरे हुए, प्रेजेंट कंटेंस, पास्ट कंटेंस, फ्यूचर कंटेंस। इसके अगर अपन फिर से एक बार समरी करें तो मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, एक चीज और जानकारी मैं आपको दे दूं, ये जरूरी नहीं कि जहां भी आईएनजी लगा हुआ वहीं पे कंटिन्यूअस टेंस है। मेन वर्ब में आईएनजी दो अन्य अपने इंग्लिश में दो अन्य जगह भी लगती है, एक तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तब आईएनजी का प्रयोग होता है तो ये हुए अर्थ देती है, और एक ये जीरण में आईएनजी होती है जो नॉन इनडायरेक्ट नाउन का काम करती है। वो पीछे की बात है, फिलहाल आप समझे कि जब भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है उसके साथ इज़ एम आर वाज़ वर या विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो कंटिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यूअस टेंस सिंपल रहा रही कंटिन्यूटी को दिखाता है और वेरी इजी। अगर एग्जाम्पल आप थोड़ा देखना चाहो तो इसके मैं एडवर्ब्स आपको बता देता हूं अभी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब्स हैं नाउ, स्टिल, दिस डेट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, यानी ये एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अगर पास्ट की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो विल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस व्हेन, व्हाइल, एज, एज ए शब्द। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो एट दिस टाइम, टुमारो, इस तरह से कुछ, जैसे टुमारो वगैरह वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन एट दिस टाइम, दीज डेज ये शब्द आए और टुमारो या नेक्स्ट वीक शब्द आए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एडवर्ब्स आते हैं, जो कि एग्जाम के लिए हम करेक्ट फॉर्म वर्ब में देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टेंस आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।